हेलो एवरीवन, वैशु की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सेवई का उपमा। उपमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पर रख दिया कढ़ाई को। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल को भी गर्म होने देंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा राई डाल देंगे और उसके बाद इसमें चने की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल डाल देंगे और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और ये स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें करी पत्ती डाल देंगे। देखिए मैंने करी पत्ती को भी डाल दिया है। उसके बाद 2 मिनट फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद हम इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। देखिए गाजर, शिमला मिर्च और मैंने फूल गोभी को ले लिया है। सब्जियों को काट के मैंने डाल दिया है इसमें। सब्जियों को थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर अच्छा आ जाएगा। तो देखिए सब्जियां हमारी भुन रही हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जियां जल्दी भुन जाएं, थोड़ी सी सब्जियां हो जाएं। उसके बाद हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको ढक देंगे। ढक के 2 मिनट पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। तो देखिए सब्जियां पक गई हैं। अब हम इसमें सेवई डाल देंगे। भुनी हुई सेवई है हमारी। अगर आपके पास भुनी सेवई नहीं है तो पहले आप उसको भून लेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। तो देखिए मैंने सेवई भी डाल दी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए मैंने पानी डाल दिया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालना है कि सेवई हमारी डूब जाए। उसके बाद फिर हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए 4 मिनट हो गया है। अब मैं इसको खोल के चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा पानी है इसमें। तो इसको फिर हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आंच पे ही। तो देखिए हमारे सेवई का उपमा बन के तैयार हो गया है। उपमा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। देखिए उपमा बनके तैयार है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये उपमा बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए मैंने गैस की फ्लेम को भी बंद करके नीचे उतार दिया इसको गैस से। अब हम इसको सर्व कर देंगे। इसे आप बहुत जब मन करे बना सकते हैं नाश्ते में, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली रेसिपी क्या है वो भी आपको मिल सके। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।